संघ, ट्रेड यूनियन, देखेंगे। सबसे पहले श्रम संघ है क्या? श्रम संघ श्रमिकों द्वारा गठित एक संगठन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। संगठन बनाने की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है, आर्टिकल 19 में वर्णित है, अनुच्छेद 19 में। पीटी में क्वेश्चन आता होगा कि संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी, भारत के किसी भी नागरिक को संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। तो श्रम संघ श्रमिकों द्वारा गठित एक संगठन है जो श्रमिकों की हितों एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गठित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नियोजक एवं कर्मचारियों के बीच में, जो एम्प्लॉयर होता है, नौकरी देता है, जो पूंजी लगाता है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं, नियोजक कहते हैं, और जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं, जो श्रमिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो जिसका उद्देश्य नियोजक एवं कर्मचारियों के बीच में औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन को विनियमित करना, यानी रेगुलेट करना है, उस दोनों के संबंध को रेगुलेट करना है, विनियमित करना है, इसका उद्देश्य, तथा औद्योगिक विकास करना, औद्योगिक विकास करना और देश की आर्थिक विकास में सहयोग देना है, इसका उद्देश्य। इसका डिफिनेशन जो है कई विद्वानों द्वारा भी दिया गया है, और ट्रेड यूनियन एक्ट एक्ट 1926 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? श्रम संघ अस्थाई या अस्थाई रूप से ऐसे संगठन का बोध होता है, या ऐसा संगठन है, श्रम संघ अस्थाई या अस्थाई रूप से ऐसे संगठन है जो नियोजकों एवं नियोजकों, नियोजकों, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, नियोजकों एवं श्रमिकों, एम्प्लॉयर एंड लेबर या वर्कमैन्स लिख भी सकते हैं, वर्कमैन्स भी लिख सकते हैं इसको, नहीं, नियोजकों, हाँ, श्रमिकों एवं श्रमिकों, वर्कर्स एंड वर्कर्स के बीच, क्या हमने पढ़ाया? श्रम संघ अस्थाई या अस्थाई रूप से ऐसे संगठन का बोध होता है जिसमें नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच के संबंध को विनियमित, रेगुलेट, विनियमित किया जाता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक महासंघ, फेडरेशन, दो या दो से अधिक महासंघ सम्मिलित होते हैं। फिर से समझ लें, श्रम संघ अस्थाई या अस्थाई रूप से बनाए गए ऐसे संगठन का बोध होता है जिसमें नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच के संबंध को विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक श्रम संघों के, फेडरेशन के महासंघ भी सम्मिलित होते हैं, श्रम संघों के महासंघ भी सम्मिलित होते हैं, ये महासंघ है, संघ, अच्छा, संघ, महासंघ भी सम्मिलित होते हैं, फेडरेशन, समझ रहे हैं,
यह संघों का संघ महासंघ होता है, यह राष्ट्रीय स्तर पर गठित होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को सदस्यता नहीं दी जाती है। इसका सदस्य औद्योगिक स्तर चाहे प्रतिष्ठान स्तर पर गठित ट्रेड यूनियन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, ये क्या है? फेडरेशन है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर गठित होता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक क्या है? फेडरेशन है। सब इंटरव्यू में पूछता है ये सब। बीएमएस क्या है? भारतीय मजदूर संघ, एक फेडरेशन है। C2 सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, यूटक, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये देखेंगे कि ये जो क्या है, फेडरेशन यानी महासंघ, दो या दो से अधिक महासंघ, माने दो या दो से अधिक महासंघ भी सम्मिलित होते हैं, कोई दिक्कत? तो ये मुख्य डिफिनेशन आपका यही है, एक दो को विद्वान का लिखवा देंगे, कोई दिक्कत? तो आप देखेंगे श्रम संघ का इतिहास, देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में, भारत के संदर्भ में पढ़ना है इतिहास। भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 1850 में, 1750 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी, उसके 100 वर्ष के बाद भारत में औद्योगिक क्रांति आई। देखेंगे धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ, श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी। आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहले जो घर में काम होता था क्या होता था? कुटीर उद्योग के रूप में, सबसे पहले कुटीर उद्योग के रूप में काम होता था। जब अब इसका नाम बदल गया है, MSME हो गया है, तीनों को एक में, कुटीर उद्योग के रूप में काम होता था, तब परिवार के लोग काम करते थे, परिवार के लोग। अब परिवार के लोग बनाते थे या परिवार के लोग बाजार में जाकर बेच देते थे, क्योंकि मांग कम थी। जैसे तावा बनाना, बेलना चकिया बनाना, पहसुल बनाना, चाकू बनाना, ये सब काम होता था। लेकिन यही देखिए, आज यही तावा ब्रांडेड आप खरीद कर ला रहे हैं, देखिए कैसे हो गया मार्केटिंग। और वो तावा घर घर जरूरत पड़ गया तो आप देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई, क्योंकि मांग बढ़ गई। अब यही परिवार के सदस्य नियोजक के रूप में आ गया। तो यहां इंडस्ट्रियल रिलेशन जो था सिर्फ पारिवारिक था, व्यक्तिगत था। तो यहां कोई ट्रेड यूनियन होगा? नहीं होगा। ट्रेड यूनियन तभी बनेगा जब पूंजी और श्रम दोनों शामिल होते हैं। पूंजी कौन लगाता है? नियोजक। श्रम कौन लगाता है? श्रमिक। तो जिस तरह से आपके परिवार में जो होते हैं सदस्य, तो आप देखेंगे विवाद होती रहती है, उसका एक ही मकसद आर्थिक कारणों से विवाद उत्पन्न। यहां भी आप देखेंगे आर्थिक शोषण होने लगा। नियोजक क्या करता है? पूंजी लगाता है, उद्योग का संचालन करता है, वह उद्योग से अधिक लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाने को लेकर वो क्या करता है? वह श्रमिकों से अधिक काम लेना, छुट्टियां कम देना, कार्य के घंटे का अधिक लेना, और मजदूरी कम देना चाहता है। तो शोषण हुआ उसकी स्वेच्छता के कारण। तब श्रमिक क्या किए कि धीरे धीरे संगठित होने लगे कि नियोजक ऐसे करता है, तब विरोध में आवाज उठाई। नियोजक क्या किया? संघ को तोड़ने का काम किया। जैसे वो एकजुट होता थे तुरंत तोड़ देता था, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं रही। धीरे धीरे संगठन बनने लगा, ट्रेड यूनियन बनने लगा। सर्वप्रथम आप देखेंगे भारत में सोराबजी सोपारजी,
सर्वप्रथम भारत में छोटा पड़ जा रहा है। आगे बढ़ाइए, छोड़ दीजिए, हम नीचे कर दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सोराबजी सोपारजी नाम है, ये पारसी थे। 1875 में, 1875 में मुंबई के सूती वस्त्र उद्योग में, मुंबई के सूती वस्त्र उद्योग में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए, उनके शोषण से बचाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखा, सम्मेलन किया, जिसमें श्रमिक शामिल हुए, लेकिन सरकार ने उसे दबा दिया। सरकार क्या की, अंग्रेजी शासन थी, अंग्रेजी शासन ने क्या किया, उसे दबा दिया, और यहीं पर आंदोलन समाप्त हो गया। 1877 में नागपुर इंप्रेस मिल, नागपुर इंप्रेस मिल में हड़ताल हुई, स्ट्राइक। यह भारत का प्रथम हड़ताल था, यह भारत का प्रथम हड़ताल था जहां श्रमिक एकजुट हुए थे। और देखेंगे कि जब 1875 में सोराबजी सोपारजी द्वारा आंदोलन को जो है अंग्रेजी शासन द्वारा कुचल दिया गया, तब एक और समाजवादी नेता आए जिसका नाम था नारायण जी मेधा जी लोखांडे, इसको एनएम लोखांडे कहते हैं, एनएम लोखांडे। इन्होंने 1884 में, सॉरी 1884 में मुंबई के सूती वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों को एकत्रित किया। आंदोलन व्यापक रहा, लेकिन अंग्रेजी शासन हिलने डोलने नहीं दी, ठीक है जाओ, हिलने डोलने नहीं दी। और आप देखेंगे कि 1884 में इस आंदोलन को फिर अंग्रेजी शासन कुचल दिया, लेकिन नारायण जी मेधा जी लोखांडे बैठने वाले नहीं थे। इन्होंने 1890 में, 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन नामक ट्रेड यूनियन का गठन किया। यहीं से भारतीय श्रम संघवाद, भारतीय श्रम संघवाद का की शुरुआत हुई। यहीं से यूनियनिज्म में बना ट्रेड यूनियन का, लेकिन इसे भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन नहीं माना जाता है आधिकारिक तौर पर। आधिकारिक तौर पर मद्रास श्रमिक संघ जो 1918 में गठित हुआ, जो पीटी में आपको क्वेश्चन आता है, वही भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन माना जाता है। अब उसके बाद से भारत के अन्य क्षेत्रों में, कोलकाता से लेकर के प्रिंटर्स स्टेशन कोलकाता में, कामगार हित वर्धक सभा इत्यादि ट्रेड यूनियन बनाए गए, लेकिन फेडरेशन का दौर जो शुरू हुआ वह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का गठन हुआ 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत द्वारा, राय द्वारा। यह मार्क्सवादी विचारधारा का है, सीपीआई से जुड़ा हुआ है वर्तमान में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। देखेंगे 1900 इसके बाद कई फेडरेशन बनाए गए जिसकी चर्चा हम इतिहास में करेंगे, इतिहास पढ़ना है, इतिहास में हम लिखाएंगे।
इंटक का गठन हुआ 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। बीएमएस का गठन हुआ जनसंघ द्वारा 1955 में, जो बीजेपी से संबंधित है। इंटक कांग्रेस से संबंधित है। इत्यादि कई फेडरेशन बनाए गए। एक कॉन्फेडरेशन भी होगा जिसका हम आगे चर्चा करेंगे, ट्रेड यूनियन के काइंड्स में, प्रकार में। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित होता है, और फेडरेशन राष्ट्रीय स्तर पर गठित होता है। ये मेंस में भी तो लिखना ही है, इंटरव्यू का एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। फेडरेशन कॉन्फेडरेशन के बारे में बताइए क्या है, एग्जाम्पल दीजिए, पूछता है। तो आप देखेंगे कि ये जो है, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखेंगे, यूएसए में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, जापान में ट्रेड यूनियन का उदय जो है भारत से बहुत पहले हो चुका था। और ट्रेड यूनियन देखेंगे 1886 में यूएसए में, यूएस के शिकागो में श्रमिकों द्वारा व्यापक आंदोलन किया गया। यूएस सरकार ने और नियोजकों दोनों मिलकर के श्रमिकों का आंदोलन को समाप्त किया गया। लाठी चार्ज हुए, गोलियां चली, काफी हताहत हुए 1886 में, और आंदोलन को कमजोर कर दिया। और जब आईएलओ का गठन हुआ 1919 में, तो इसी दिन को, ये दिन था 1 मई 1886, और इसी दिन से मई दिवस, जिसको आप कहते हैं मजदूर दिवस, मनाया जाता है इसी तिथि को। आईएलओ द्वारा इंटरव्यू में पूछ देता है कभी कि मई दिवस क्यों मनाया जाता है 1 मई को, तो यही कारण है कि शिकागो में श्रमिकों पर जो है सरकार द्वारा लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, जिसमें बहुत से श्रमिक जो है हताहत हुए, मारे गए, चोटिल हुए। उसी उपलक्ष में जब आईएलओ का गठन 1919 में हुआ, तो आईएलओ द्वारा मजदूर दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेबर डे। आप देखेंगे, अब भारत के संदर्भ में ही आपको पढ़ना है ट्रेड यूनियन, तो क्वेश्चन इससे क्या क्या राइज होगा, कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, और क्वेश्चन आप नोट कर लें, लिखते जाएं, तब उसको पढ़ाएंगे एक एक करके। प्रश्न लिखिए, श्रम संघ की परिभाषा दे या अवधारणा बताएं, कॉन्सेप्ट। दूसरा प्रश्न, श्रम संघ का उद्देश्य बताएं, ऑब्जेक्ट्स। श्रम संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति की विधि, व्याख्या करें। मेथड, उद्देश्यों की प्राप्ति की मेथड क्या होंगे, विधि क्या होंगे। श्रम संघ के कार्यों की व्याख्या करें, फंक्शन व्याख्या करें। नेक्स्ट, श्रम संघ के प्रकार बताएं, प्रकार या प्रकारों पर प्रकाश डालें, काइंड्स।
नेक्स्ट, श्रम संघ की संरचना स्ट्रक्चर की व्याख्या करें, व्याख्या करें। श्रम संघ की प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की व्याख्या करें। श्रम संघ की विशेषताएं बताएं। श्रम संघ को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए अपना सुझाव दे, अपना सुझाव दे। भारतीय श्रम संघ के इतिहास हिस्ट्री की व्याख्या करें, इसका इतिहास क्या है। श्रम संघ अधिनियम 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के मुख्य प्रावधानों प्रोविजंस की व्याख्या करें। श्रम संघ अधिनियम 26 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या करें। नेक्स्ट, श्रम संघ की समस्याएं, कौन कौन समस्या है देखेंगे। पहला, श्रम संघ ये चैप्टर है प्रतिद्वंदिता, राइवलरीज, प्रतिद्वंदिता की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ राइवलरीज। दूसरा, श्रम संघ नेतृत्व लीडरशिप की समस्याएं। तीसरा, श्रम संघ मान्यता रिकॉग्नाइज की समस्याएं। श्रम संघ राजनीतिक लगाव पॉलिटिकल रिलेशन की समस्याएं। नई आर्थिक नीति लागू होने के पश्चात श्रम संघ की भूमिका में हुए परिवर्तनों
व्याख्या करें, व्याख्या करें। ये प्रश्न है। बंद करें।